गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? तो मैं अच्छी हूँ, आप सुनाइए, आप कैसे हो? सुबह सुबह की शुरुआत, मैं आ गई हूँ, यहाँ पर बैठी हूँ। और कैसे लगते हैं मेरे ब्लॉग? वैसे तो अच्छे लग रहे हैं क्योंकि मैं रिस्पांस देखती हूँ, और इस तरह से मुझे लगता है कि आज की कितना अच्छा मौसम हो रहा है। इस वजह से देखिए हवा का रुख बता रहा है। देखो ये हवा बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है, और मैं बस और यहीं पर बैठी हूँ सुबह सुबह मॉर्निंग में। चाय नाश्ता वगैरह मेरा हो गया, बच्चे चले गए स्कूल, मैंने बनाई आज आलू बैंगन की सब्जी, और काम वगैरह सारा फिनिश हो गया, और यहाँ बैठी हूँ मॉर्निंग में देखिए सुबह की शुरुआत करने के लिए। और आपको पता है पॉजिटिविटी मेरी लाइफ में उस तरह से आ गई है कि मतलब जो मैंने आपको बताई थी कुछ खुशी आने वाली है, सरप्राइज जल्दी से मिलेगा आपको, और वो वाली वीडियो भी अपडेट करूँगी क्योंकि उसको मैं क्रिएट ही कर रही हूँ, मतलब बना रही हूँ, उसके नई आगे की वीडियो आने वाली है मेरे साथ। और कल मैं अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए गई थी, आई होप सो अगर होगा तो आज की वीडियो आपको आज ही देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए देखते रहिए, सस्पेंस बना रहना चाहिए क्योंकि सस्पेंस बना रहता तो पता होता है कि वीडियो में क्या होने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है वीडियो में, और उस दिन फंक्शन वाली वीडियो तो आज ही मिलेगी आपको देखने के लिए इसी ब्लॉग में, जब मैं गई थी ना ग्रीन कलर की साड़ी, मैंने बताया था सुनील सिंह का फंक्शन था। तो चलिए एंजॉय। कैसा? बहुत बढ़िया। मसाला आ रहा है इसमें बहुत टेस्ट। शिमला बनाते ना उससे बढ़िया। सुबह तुमने बाल कंघे क्यों ना करी दोनों जनों ने? देखिए उसकी भी और तेरी भी। कितना सुंदर लग रहा देखने से, ले जा वाइट। कई बार क्या करेगा कि ना यहाँ से खाता ना, और फिर कहेगा आने के बाद मैं ले ना रखा रख देना ना। नहीं अब थोड़ी है, अब जब बन जाएगा दोबारा। हम ही तो मेरे लिए वो रखे है ना दाल चावल, और पापा है ही ना, 2 बजे तक तुम आओगे तब तक कुछ ना कुछ बना लूंगी, बस सब चाय पी ले शुरुआत कर दें। तेल बाल कंघी होगी सजल, तू भी कर ले बेटा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब लोग? तो आज हाँ जी जी आई लइए बोल। अच्छा हाय सजल। अच्छा शिवम भी तैयार है स्कूल और जाने के लिए हो गए रेडी, और बस अब मैं ले लेती हूँ दूध और फिर ये स्कूल निकलेंगे। नाम लिखवा रही हूँ अभी, कार्यक्रम शुरू होने वाला है। मैं ओए अपना नाम बोल। विष्णु। विष्णु आगे बोल, पूरा नाम बोलो। विष्णु ठाकुर। वेरी गुड। तेरा? हर्ष ठाकुर। हर्ष ठाकुर, ये हम आ गए उस पर सम्मानित कुर्सियों पे बैठे हुए हमारे अतिथि। और वहाँ और देखिए आप सोच रहे होंगे अचानक मैं यहाँ पर कैसे कहाँ कैसे आ गई, और सुनील जी आप देख ही रहे होंगे, सुनील जी हैं यहाँ पर मैन जिन्होंने कराया है और उनके फ्रेंड। तो यहाँ पर एक सम्मानित प्रोग्राम चल रहा है इनकी परिषद से रिलेटेड, जो वे हमेशा कराते रहते हैं, और मंत्री जी आने वाले हैं। और प्रोग्राम की स्टार्टिंग हो गई थी जब हम पहुँचे थे यहाँ पर, तो उसके बाद देखिए मेरा भाई भी आ गया है। इस तरह से व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है हमेशा, और बहुत ही देखिए मैनर्स के साथ, मतलब बॉयज़ गर्ल्स इस टाइप से। तो सुनील जी वही देख रहे हैं कि क्या अरेंजमेंट है, किस तरह से मैनेजमेंट स्टार्ट करना है। ये हैं इनके दोस्त जिन्होंने ये प्रोग्राम दोनों ने मिल के किया है, और कितनी अच्छी लोकेशन है जैसे कि आप देख रहे होंगे। हम पहले आगे ही बैठे थे लेकिन वहाँ पर क्या था, एयर वगैरह जो
खोल रही थी ना पुलिस और आवाज बिल्कुल कंटिन्यू आ रही थी, तो फिर मैं थोड़ा सा पीछे बैठ गई थी, मुझे शीट आगे ही दी गई थी और आगे भी आप देखते रहिए। एक बार जोरदार तालियों से सुमित जी का स्वागत। ये बड़ी बात है कि सब चेक कर लीजिए, मैं भी था किसी टाइम पे मंच पे खड़े होने से पहले मेरे पैर नापते थे, आज मुझे आप 1,00,000 लोगों में बुलवाओ, 2 में बुलवाओ, 10 में बुलवाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो इसीलिए नहीं है क्योंकि जब तक तो मैं चाहता हूँ हमें बोलना चाहिए, जब तक हम बोलना नहीं सीखेंगे तो ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ अच्छा है, बहुत अच्छा है और इसको लेकर के हम सब मिलकर के कहीं और सपोर्ट कर सकते हैं, मान लो आपका कार्ड होता तो हम कोई बात नहीं, मैं तो एडिशनल बात है। हाँ संडे के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, यदि प्रसन्न रहे, बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं हुए तो कमिंग संडे को हम कार्यक्रम रखेंगे नजफगढ़ जिले, आप वहाँ पे आइए, आप सब उसके लिए सादर आमंत्रित हैं। दिव्य दक्षिणा का कार्यक्रम ही होगा क्योंकि आपको पता है कि ये जगह जगह रखा जाता है, तो हम इस कार्यक्रम को नजफगढ़ में भी रखेंगे और मैं आप कहूँगा कि यदि आपके पास समय हो तो आप कृपया करके वहाँ पर भी जरूर आए। ठीक है, मेरा नाम अरुण शर्मा है, मैं गांव सलाबू से आया हूँ और मेरा जो व्यवसाय है वो सैनिटरी का है, दिल्ली सैनिटरी का काम है मेरा, दिल्ली छावड़ी बाजार में। भगवान परशुराम की जय। मैं पहली बार इस मंच पर आया हूँ और दक्षिणा कार्यक्रम है उसमें मैं पहली बार आया हूँ और मैं जिस तरह देख रहा हूँ बार बार आने की कोशिश मैं करूँगा। एक्सीडेंट हुआ है जो कुछ कावड़ती हैं बिजली के करंट के कारण, आज बहुत बड़ा एक्सीडेंट था जिसको लेकर के आप निवेदन है कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें, जो इंतजार था वो समाप्त हो चुका है। हम लोगों के बीच में हमारे परम आदरणीय उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री पंडित सुनील को किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए जिस तरह से बोलते हैं कि भगवान की आराधना प्रार्थना करनी चाहिए, तो उसी हिसाब से यहाँ पर भी इसी तरह से किसी भी काम को, जैसे कि मतलब सुनील जी पॉलिटिक्स लाइन में भी है, लेकिन पॉलिटिक्स लाइन में भी किसी न किसी भगवान को पूजनीय मानकर ही आगे बढ़ा जाता है। तो हम परशुराम परिषद से जुड़े हुए हैं, तो परशुराम की पहले आरती पूजा और ये देखिए फूल मालाएं चढ़ाएंगे सुनील जी भी और मंत्री जी भी, और फिर उसके बाद जो भी फंक्शन है उसे स्टार्ट करेंगे। सारे के सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं, तो इन्होंने पहले पुष्प इन्होंने चढ़ाए, फिर उसके बाद मैं और सुनील जी चढ़ाएंगे और इसी तरह से प्रोग्राम की स्टार्टिंग हो जाएगी। और आप भी देखिएगा, हमारे साथ एंजॉय कीजिए। बस यही व्लॉग मैं देखिए कई दिनों से आपसे बोल रही थी कि मैं कहाँ गई थी वो मैं डाल दूँ, फिर मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कर दूँ, तो आज फाइनली मैंने सोचा ये शूट करते हैं और आप सबको भी दिखाया जाए कि हम कहाँ पे गए थे। तो ये है हमारा जो फंक्शन हुआ था। आप सबसे भी मेरा आग्रह है कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें और मैं एक बार फिर सुनील जी मेरा आग्रह है आप एक बार ना जो स्वागत है उसको आप आ चुके कार्य में लगनशील होना इसे कहते हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है हम किसी भी ऊंचाई पे पहुंचने के लिए, तो यही संघर्ष लाइफ सुनील जी ने हमेशा ही अटेम्प्ट किया है कि मतलब ये क्रेडिटेबल है इन सब चीज़ों में कि शुरू से मतलब धरती से आसमान तक उठने के लिए भी बंदा कोशिश करता है
और अब आ गए थे सुनील जी मेरे पास। तो देखिए मैन गेस्ट में जो मंत्री जी के बाद सुनील जी भी उसी उस पर बैठे थे, अभी आप सबने देखा था। लेकिन उन्हें पूरा का पूरा मतलब अपना वर्क देखना होता है, जिस तरह से भी चारों तरफ उन्हें आवाज़ आती है कि ये देख लीजिए वो देख लीजिए, तो वो सारा काम संभाल रहे थे, आप देख ही रहे होंगे। तो सुनील जी में ये बहुत अच्छी आदत है, आई एम प्राउड ऑफ यू ऑलवेज। और क्या बिगड़ता है क्या सुधरता है वो अपने हाथ में ही रखते हैं। काम देखते थे ऐसे यहाँ इस नोएडा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काम देखने वाले ऐसे हमारे बहुत ही अनुभवी संगठन के श्री वीरेंद्र गुप्ता जी सामने बैठे हुए हैं, वो भी हमारे बीच में है। हमारे साथ में लगातार समर्पित कर चला दो रखना ले आवे इधर ही मन कहीं इधर ले आऊं चल। अब लास्ट ऑफ बस हमारे जाने की तैयारी हो रही है, चलिए चलते हैं। बहुत अच्छा फन चल रहा जैसे कि आपने देखा ही होगा। उतरने में प्रॉब्लम नहीं होती, चढ़ने में होती है बहुत ज्यादा, ये तो आपने पहले भी देखा होगा। दिखाती लुक अपना, ये देखो दिख रहा साड़ी का लुक, ये मेरी साड़ी। तो चलिए आई होप सो, मुझे लगता है आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये मिला था सुनील जी को, वो लेके चलेंगे हम अपने घर। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, नेक्स्ट व्लॉग के लिए रेडी।